बहुत सारे क्रिएटर YouTube की एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो अपलोड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो वीडियो वहाँ का वहीं यानी धरा रह जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रैंकिंग नहीं करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको Google Chrome के माध्यम से YouTube वीडियो को अपलोड करना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा देना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हो ट्रस्टेड टेक्नो चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको YouTube वीडियो अपलोड करने का आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको Google Chrome ओपन करना है, ठीक है। तो मैं Google Chrome को ओपन कर देता हूँ। Google Chrome ओपन करने के बाद में Google Chrome के सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है, अपने यहाँ पर लिखना है YouTube, ठीक है, youtube.com/dashboard आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है ट्राई आउट द YouTube स्टूडियो ऐप, यहाँ पर नीचे आता है कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद में पेज थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा, लोडिंग होगा, उसके बाद में आपका YouTube चैनल यानी लॉगिन हो जाएगा, फिर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, एनालिस्टिक आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर चैनल का एनालिस्टिक दिख रहा है, इसके अलावा लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड करने के लिए आपको यानी मेन पॉइंट यानी आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एरो जो है ना, अप में एरो, मैं जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पर ये एरो, इस एरो पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस एरो पर क्लिक करेंगे तो पेज थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बता देता है ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो फाइल टू अपलोड, अगर आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आता है, आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपके गैलरी के जिस फोल्डर में आपका वीडियो एक्सपोर्ट किया हुआ है उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एक सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको करके बताता हूँ। अब सेलेक्ट फाइल करके उसके बाद में फाइल के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं इंट्रो ही डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये लोडिंग होगा। अब यहाँ पर आपको टाइटल में यहाँ पर इसको कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, जैसे कि YouTube इंट्रो टेम्पलेट 2023, ठीक है। उसके बाद में इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, और सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यानी अपने अकॉर्डिंग यानी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको बार बार डिस्क्रिप्शन लिखने की प्रॉब्लम होती है तो इस पर भी मैं एक ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा, ताकि आपको बार बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंपल तरीके से यानी एक बार आपको सेटिंग करनी है, फिर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसके बाद में यहाँ पर आता है थंबनेल का, तो अपलोड थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी अपने गैलरी में से जैसे कि आपको थंबनेल ऐड करना है, तो जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल के लिए एक थंबनेल लगाया, ठीक है। उसके बाद में प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर अपनी कोई भी वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपकी जो प्लेलिस्ट बनाई होगी वो यानी आपको शो करेगी, तो यहाँ से चेक मार्क लगाना है और उसके बाद में उसको डन करना है, ठीक है। बाद में ऑडियंस पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अगर आपका मेड फोर चैनल है बच्चों के रिलेटिव तो यस करें, अन्यथा नो रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बच्चों के रिलेटिव कंटेंट नहीं है तो मैंने नो कर दिया। फिर यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करना है। शो मोर पर क्लिक करने के बाद में अगर ये वीडियो पेड प्रमोशन है तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, अगर आपका स्पॉन्सरशिप वाला भी वीडियो है तो भी यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना, ठीक है। उसके बाद में स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक चैप्टर इसको एनेबल रखें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अलाउ ऑटोमेटिक प्लेस इसको भी एनेबल रखें। उसके बाद में यहाँ पर आता है टैग का ऑप्शन, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टैग डाल सकते हैं, जैसे कि मैं टैग डालता हूँ जैसे इंट्रो, ठीक है, ये जैसे मैंने इंट्रो डाल दिया। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, एंटर मारेंगे, ठीक है।
उसके बाद में और भी अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि मैंने इंट्रो लिख दिया, उसके बाद में जैसे YouTube इंट्रो, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ YouTube इंट्रो टेम्पलेट, ठीक है, उसके बाद में कोमा लगाएंगे, एंटर मारेंगे, ठीक है, तो ये टैग ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कैसा आपको यहाँ पर भी टैग डालने, फिर यहाँ पर आता है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो की लैंग्वेज जो भी है तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। बहुत लोग यानी ये सेटिंग नहीं करते, इसी वजह से उनके यानी वीडियो वहाँ के वहीं रह जाते हैं। अब जिस लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो, जैसे हिंदी में बोल रहे हो, तो आपको वीडियो की लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट भी आप डाल सकते हो, लोकेशन अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को सेलेक्ट रखना है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों को चेक मार्क लगाना है। उसके बाद में आता है शॉर्ट सैम्पलिंग, अगर आपके वीडियो, इसके अलावा अगर आपके वीडियो का कोई शॉर्ट सैम्पल लेना चाहता है, अगर आप उनको परमिशन देना चाहते हो, तो यहाँ पर इसको चेक मार्क लगाए, अन्यथा यहाँ पर चेक मार्क हटाए तो वो कोई भी आपके वीडियो का कोई शॉर्ट सैम्पल नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने वीडियो कोई ब्लॉग वाला डाला है, अगर आपका टैग का चैनल है ब्लॉग का वीडियो डाला है, तो आपको कैटेगरी भी चेंज करनी है, ठीक है। आपको ब्लॉग यानी यहाँ पर वीडियो की कैटेगरी ब्लॉग रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी टेक्नोलॉजी की जैसे कैटेगरी है और आपने ब्लॉग वाला वीडियो डाला, ठीक है, और आपने टैग वाली जो कैटेगरी सेलेक्ट की, तो वो वीडियो टैग वालों को ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए आप कैटेगरी पर भी ध्यान रखें। इसके अलावा कमेंट, तो इस पर चेक मार्क लगाना है। यहाँ पर अगर स्टिक्स रखना चाहते हैं, अगर आपके जैसे कोई कमेंट करता है, अगर आपको हिल्ड वो रिव्यू में वो कमेंट डालना है, या अगर अगर आप मैसेज पढ़ेंगे बट उनको दिखाई नहीं देगा, आप उसको अप्रूवल करना चाहते हो तो अप्रूवल भी कर सकते हो, या हिल्ड वो रिव्यू में भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सो हाउ मैनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो अगर आपके लाइक अगर किसी को दिखवाने हैं तो यहाँ पर चेक मार्क लगाए, अन्यथा चेक मार्क हटाए, ठीक है। उसके बाद में ऊपर आता है ऑप्शन मोनेटाइजेशन का, तो मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जैसे मोनेटाइजेशन ऑन और उसके बाद में डन करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड का आपको बता देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले ऐड, ये ऑटोमेटिकल यहाँ पर सेलेक्टेड है। इसके अलावा ओवरले ऐड, स्पॉन्सर्स कार्ड ऐड, और इसके अलावा स्किपेबल वीडियो ऐड और नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड, तो ये सारे के सारे आपको चेक मार्क लगा के रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका वीडियो 8 मिनट से ऊपर है तो उसमें आप मिड रोल ऐड भी लगा सकते हो। इसके अलावा प्री रोल ऐड, पोस्ट रोल ऐड, ये सारे के सारे अपने अकॉर्डिंग कर सकते। ये सारे के सारे प्रक्रिया करने के बाद में ऐड सूटेबिलिटी में जाएंगे। ऐड सूटेबिलिटी में जाने के बाद में यहाँ पर आपको रेटिंग देना है, ठीक है, ऐड सूटेबिलिटी भी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका वीडियो कोई पॉलिसी को वायलेंस करता है, या ऐसा कोई कंटेंट है जो एडवर्टाइज पॉलिसी को वायलेंस करता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड सूटेबिलिटी में रेटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पर नन ऑफ द एबो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट रेटिंग पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट रेटिंग पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोडिंग होगा। उसके बाद में वीडियो का एलिमेंट, उसके बाद में जैसे कि वीडियो का एलिमेंट, अगर आपको यहाँ पर सबटाइटल डालना है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके सबटाइटल के लिए आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नीचे आता है एंड स्क्रीन, तो यहाँ से आप अपनी एंड स्क्रीन लगा सकते हो वीडियो के एंड में, ठीक है। इसके अलावा आई कार्ड लगाना चाहते हैं वीडियो के, जो आई बटन उसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ से आपको आई कार्ड लगाना है। यहाँ पर एडिट पर जैसे मैंने लगाया हुआ है, मैं इसको एक बार यहाँ से कट कर दूँ। पर ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है वीडियो प्लेलिस्ट, इसके अलावा और भी ऑप्शन आते हैं चैनल लिंक, ठीक है। तो जैसे अगर आपको वीडियो लगाने हैं तो वीडियो लगा सकते हो, प्लेलिस्ट लगाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट लगा सकते हो, अगर आपका कोई अदरवाइज चैनल है तो उसको भी आप यहाँ पर आई बटन में लगा सकते हो। इसके अलावा कोई लिंक है तो लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर देखिए नीचे टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में जैसे कि अब मुझे दूसरा वीडियो लगाना है यहाँ पर दो मिनट के समथिंग, ठीक है, तो इस डंडी को यहाँ पर आपको रखना है, फिर आपको स्क्रॉल करके ऊपर करना है, फिर आपको कार्ड पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करना है,
और यहाँ पर कोई भी वीडियो आपको सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो मिनट के समथिंग ये लग गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे और भी लगाना है तो यहाँ पर इस डंडी को आगे आगे करना। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसा कि ये डंडी है, ये इस डंडी को आपको यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, जैसे कि आपको चार मिनट के समथिंग रखना है, एक और आई कार्ड लगाना है, एक और भी वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी वीडियो यानी सेलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग यानी आई कार्ड भी लगा सकते हो। आई कार्ड लगाने के बाद में आपको करना है सेव, सेव करेंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है चेक का ऑप्शन, वीडियो एलिमेंट के बाद में आता है चेक। अब चेक में क्या होता है कि अगर आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट मटेरियल है तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर आपके वीडियो में जैसे कोई एडवर्टाइज पॉलिसी को भी वॉयलेंस करता है, ऐसी कोई पॉलिसी, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। ठीक है, रेड कलर में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कॉपीराइट मटेरियल इसमें नहीं है तो यहाँ पर ग्रीन लगा हुआ है। एड सुटेबिलिटी के लिए वीडियो वैलिड है तो बिल्कुल, यानी एड सुटेबिलिटी इस पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ग्रीन यानी इसमें टिक लग गई है। ठीक है, अगर आपके वीडियो में ग्रीन टिक नहीं लगती है तो आप वीडियो को पब्लिश नहीं करना है। ठीक है, आपको तुरंत उस वीडियो को यानी चेंजिंग करना है, सकते हो। उसके बाद में आता है विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड, शेड्यूल, वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेव पर क्लिक करते ही सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।